प्लेन को उड़ा दिया कनाडा के अंदर, 306 ऊपर यात्री, दो दो साल के बच्चे, 13-13 साल की बच्चियां, उनके परिवारों को मिला मैं, बम्बों से उड़ा दिया। ये इन्होंने बदमाशों ने, गुंडों ने, यह खालिस्तान का नारा देने वालों ने, यह पाकिस्तान के एजेंटों ने यह पहचान बना दी। भारत एक था, एक है, एक रहेगा। तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारी खालिस्तानियों, पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले और विदेशों से फंडिंग लेके, और आज चंद खालिस्तानियों आप कहते आदमी खा जाओ, इनका खून पी जाओ। 36,000 लोगों का खून पीने के बाद अभी भी ये खून के प्यासे सरेआम पन्नू जैसे लोग। देखो जी, मैं आपको एक बात स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा, मैं पंजाब में बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता हूं। उसका कारण है, अननेसेसरी मुद्दे बहुत है, रोज मुद्दों को उखाड़ना, फिर उसका इशू बनाना मेरा काम नहीं है, करते थे कभी, मैं नहीं करता। अमृतपाल का मुद्दा आया, खुल करके अपन बोले, उसको जहां भी जेल हुई जो हुई अपन ने छोड़ दिया। सवाल मेरा एक हिंदुस्तान के लोगों से नहीं, अपनी एक वो सिख कौम जो गुरु महाराज ने, कलगीधर महाराज ने मजलूमों की रक्षा के लिए सजाई, कश्मीरी पंडितों के लिए, मजलूम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सिख कौम का मकसद मजलूमों की रक्षा करना, बेगुनाहों का कत्लेआम नहीं करना, रास्ते में जाते हुए किसी को मारना नहीं, ये सिख कौम की पहचान थी। आज से कई वर्ष पहले हिंदू धर्म की माए, हिंदू सिख का 9 मास का रिश्ता, रोटी बेटी का रिश्ता, माए कहती थी एक बेटा सरदार बनाऊंगी, और उस वक्त की माए कहती थी, बहनें कहती थी, अरे ये बस और ट्रेन के अंदर सरदार साहब एक बैठ गए, अब हमें कोई फिक्र नहीं। ये सिख कौम की, गुरु महाराज की, सिख कौम की पहचान थी, और इन चंद लोगों ने, इन चंद बदमाशों ने, इन चंद गुंडों ने, जो कौम से कहने से पॉलिटिकल पार्टियां घबराती हैं, डरती हैं, 36,000 लोगों का पंजाब में खून पिया इन्होंने, गांव के गांव खाली कराए, खून की नदियां बहाई, क्या यह सिख कौम की परंपरा थी? गुरु ग्रंथ साहब में नहीं लिखा था? गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह ने कहा था, मानस की साथ जब एक ही पहचान को, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, ये कहा था हमारे गुरु साहिबानों ने, क्या यह गुरु महाराज की मर्यादा के उल्ट जो आनंदपुर साहब में होले मल्ले के दिन सिख कौम सजाई की, क्या उसके उलट निहत्थे लोगों को पंजाब के अंदर बसों से, ट्रेनों से, रास्ते में जाते हुए, को मां के लिए, को बच्चों के लिए, को पत्नी के लिए, रोटी कमाने जा रहा था, हाथ में कृपान नहीं थी, बंदूक नहीं थी, तरछूल नहीं था, हिंदू समझा, AK-47 के मौत का घाट उतार दिया, जिस सरदार के सिख में पगड़ी नहीं थी सिख भाई के, उसको भी गोलियों का निशाना बना दिया, ना मुसलमान छोड़ा, ना हिंदू छोड़ा, ना ईसाई छोड़ा, देखा सिर पे पगड़ी नहीं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई गोलियों से मार दिया, बम्बों से उड़ा दिया, 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम कर दिया, 36,000 3-6 और प्लेन को उड़ा दिया कनाडा के अंदर, 306 ऊपर यात्री, दो दो साल के बच्चे, 13-13 साल की बच्चियां, उनके परिवारों को मिला मैं, बम्बों से उड़ा दिया। ये इन्होंने बदमाशों ने, गुंडों ने, यह खालिस्तान का नारा देने वालों ने, यह पाकिस्तान के एजेंटों ने यह पहचान बना दी। पूछना चाहता हूं खालिस्तानियों को, क्या यह मानवता की पहचान थी? मानवता का आप कत्लेआम कर दो, प्लेन के प्लेन उड़ा दो, बच्चे के बच्चे उड़ा दो, गांव के गांव खाली कर दो, 36,000 लोगों का खून पीने के बाद
पन्नू कहता है अब भी मैं खून का प्यासा हूं तेरी ऐसी की तैसी गुंडे पन्नू। सुन ले पन्नू मेरी बात, ये आज का भारत है, थर थर कांपता है चाइना, थर थर कांपता है पाकिस्तान, भूखा नंगा पाकिस्तान, तेरी औकात क्या है जो चाइना नहीं कर पाता, जो पाकिस्तान आज नहीं कर पाता, तेरे कंधे पे रख के बंदूक चलाता है वो। कौन सा खालिस्तान चाहते तू? खालिस्तान का गटिया छतर मुर्ग, सिर पे तेरी पगड़ी नहीं, दाढ़ी तेरी कटी हुई, और इसके साथ बैठी है हार्ड कोर लड़की डिल्लो, हार्ड कोर, तन पे कपड़े आधे भी नहीं होते, सिख कौम की बदनाम औरत, सिख कौम को बदनाम करने वाली, उसके साथ तू प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है पन्नू? ये तेरी औकात है? तू क्या लगता है पंजाब का, क्या लगता है तू हिंदुस्तान का? आप बहस कर खालिस्तान के ऊपर, मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनलों के ऊपर, बम खाए हैं शरीर के ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता, देश की लड़ाई थी, आप वन टू वन आप बहस कर, चैलेंज करता हूं खालिस्तान के ऊपर, तेरा खालिस्तान से क्या लेना देना? कभी तू चाइना के लिए खड़ा हो जाता है, कभी तू पाकिस्तान के लिए खड़ा हो जाता है, कभी तू मणिपुर के ऊपर खड़ा हो जाता है, कभी अपना लड़ाई हमारी इसराइल की लड़ाई में हमाम के साथ खड़ा हो जाता है, और तेरी औकात क्या है तू बता तो सही। सोशल मीडिया में आ गया पन्नू पन्नू पन्नू, और तेरी टके की औकात नहीं, बम्बों से उड़ा दूंगा तू प्लेन। मैं कहता हूं जहां ये है वहां की गवर्नमेंट, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, यूके हो, वार अगेंस्ट टेररिज्म, वार अगेंस्ट ग्लोबल टेररिज्म, कहां ये नारे? यूनाइटेड नेशन, पूरी दुनिया के नारे कहां है? जो कहता है प्लेन उड़ा दूंगा सिख बच जाए और बाकियों को मार दूंगा, चाहे उसमें क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई मजहब हो, कोई कौम हो, दुनिया ने चुप्पी साफ रखी। प्लेन जहां तो आगे ना उड़ा हो तो हम ना कहें, प्लेन आगे उड़ चुका है, कतलेआम हो चुका है, मासूमों को मार दिया इन्होंने छोटे छोटे, क्या यह सिख कौम की निशानी थी? क्या क्या यह सिख कौम के आधार से पूछना चाहता हूं, ये भूखे नंगे पाकिस्तान से मिलने वाले खालिस्तानियों से पूछना चाहता हूं, मजलूमों का, छोटे बच्चों का कतलेआम प्लेन से उड़ा देना और सिख कौम में कोई ना बोले? वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, गंदी राजनीति करो, धर्म की ठेकेदारी करो, हरमंदर साहब पवित्र स्थान, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नमस्तक होता है वहां पे, 20% सिख भाई, 80% हिंदू भाई, और कौमों के अलग, 110 करोड़ हिंदू हिंदुस्तान का इस पगड़ी के आगे सिर झुकाता है, गुरु महाराज की दस्तार के आगे सिर झुकाता है, हरमंदर साहब के आगे सिर झुकाता है, अपने कैमरे लेके चले जाओ, मैं आपके साथ चलता हूं। हिंदू धर्म की सिख धर्म से क्या लड़ाई? 36,000 लोगों को मारने के बाद 19,000 हिंदू भाइयों को आपने शहीद कर दिया गोलियों से, क्या कोई हिंदू समाज का व्यक्ति ने विरोध किया? कहते चलो अगला रास्ता हम अपनाते हैं, अगला रास्ता हम अपनाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, यह खून के प्यासे हटने को तैयार ही नहीं। कभी इंदिरा गांधी मार दी, कभी भीम सिंह मारा, और मोदी तुम्हें भी मार देंगे, और तुम्हारी औकात है क्या? यह सिख कौम की निशानी है क्या? सिख कौम तो मानवता की रक्षा के लिए बनाएगी, तुम कौन आगे ठेकेदार हो? रोज जैन धर्म का एक नारा, टोडरमल जैन, जिसने गुरु महाराज के साहबजादों को, माताजी को, 400 करोड़ की जमीन को बेच करके सोने की शिफियां रखी, उनका संस्कार हुआ, क्या नारा जैन धर्म का? उनके चरणों में रहता हूं, जियो और जीने दो, और रस्ते में चलते हुए कहते हमारे पास संत कहते मिलने मत आना, गुरु नानक देव जी महाराज की सोच पे चलने वाले हमें मिलने मत आना, आओगे तो कीड़े मकौड़े मर जाएंगे, उसमें भी जान है। ये हिंदुस्तान का जैन धर्म जो दान पुण्य करता रहता है, लंगर लगाता है, गुरुद्वारा साहब में नमस्तक करता है, वो कहते कीड़ी मार मारना, और आज चंद खालिस्तानियों
आप कहते आदमी खा जाओ, इनका खून पी जाओ। 36,000 लोगों का खून पीने के बाद अभी भी ये खून के प्यासे सरेआम पन्नू जैसे लोग, और निज्जर को कहते ये कौम का हीरो। और याद रखना, आपको नहीं मैं कह रहा हूं, उन सोशल मीडिया को जो बड़े बड़े चैनलों में हो करके आकर के बैंक डकैतों की 10-10 करोड़ की बैंक डकैती लुधियाना के अंदर बच्चों से निकाल करके बेगुनाहों का कत्लेआम करने वालों को ऐसे इंटरव्यू लेते हैं जो सिख कौम के योद्धे। उन निहत्थे लोगों को सड़कों में जाते हुए मार देना, बच्चों से निकाल करके सिख भाइयों को छोड़ करके जिसके सिर पे पगड़ी हिंदू समझ के मार देना, मां का छोटा बच्चा डिलवा के अंदर, नाम उसका रामदास, हरमंदर साहब से लिया, उसको भी ना छोड़ना, तो ना गुरु महाराज ने दिया कना नहीं, उसको हुक्म तुम्हारे गुरु महाराज के नहीं, गुरु महाराज का मानवता की रक्षा। ओ यार आप कर क्या रहे हो, खून के प्यासे हर तरफ खून, हम मार देंगे, हम बम्बू से उड़ा देंगे, हम बेटा तुम्हें तुम्हारी ऐसी की तैसी मार दोगे, तुम हो क्या, कौन हो तुम, इस मुल्क के ठेकेदार हो तुम, लड़ा हूं तुमसे, लड़ूंगा आखिरी सांस तक, हिंदुस्तान एक था एक रहेगा। और वो सोशल मीडिया वालों को आओ मेरे सर 1-to-1, ये कुशियारपुर का चैनल, मुझे नाम याद नहीं, सुंदर दस्तार नीचे, सुंदर कनाडा के नारे, अमेरिका के नारे, यूके के नारे भड़का रहा है पंजाब के अंदर नौजवानों को। परमजीत सिंह पंजवर की भोग के अंदर जाना, जो पंजाब में नार्को टेररिज्म फैलाता है, जो हमारी जवानी को बर्बाद करता है। निज्जर, क्या तिरंगा झंडा किसी हिंदू का है क्या, क्या जब जवान की शहादत होती है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। गुरतेज सिंह जिसने चाइना के बॉर्डर के अंदर 25 सैनिकों को बोले सोने आर करके ठोका, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के खून के तिरंगे झंडे में बॉडी आई थी, उस तिरंगे झंडे को उतार करके फुटबॉल बना के रोदा जाता है। भगत सिंह जी को आतंकवादी कहा जाता है, पंजाब का भगत सिंह जिसको दुनिया नमस्तक करती है, जिसको पाकिस्तान दुश्मन देश भी नमस्तक करता है। भारत माता को गाली, पर वो लोग बेगुनाहों के कातलों की डकैतों की इंटरव्यू लेते हैं। हम जाएंगे तैयारी में, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और पंजाबी में लोगों को भड़काते आओ हिंदू धर्म दूसरे धर्म के देवी देवताओं को 36,000 करोड़ देवी देवताओं के बारे में गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आओ मराठा के अंदर मैं चलता हूं, इंतजाम करता हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस का, बिजनेस क्लास की टिकट करता हूं। यह हुशियारपुर का एक यूट्यूब का चैनल, आजा, तेरी रजिस्ट्रेशन तेरी यूके की, आया तू कनाडा से भाग के, पीछे तेरे कनाडा से लिंक, यूपी के तेरे यूके के लिंक, और बंगाल की धरती पे तू जन्म लिया, आजा आ इंटरव्यू ले मेरे सामने, दो कैमरे मेरे, दो कैमरे तेरे, सवाल तू मुझे से पूछ, सवाल तेरे से पूछ, हिंदी में बोलूं ताकि दुनिया देखे तेरी असलियत को। पंजाब के पंजाबी में बोल के लोगों को बेवकूफ बनाते हो, हिंदी हिंदी वाला पंजाबी नहीं समझता। आओ राजपूताना के पास, जिनका हमारा खून के एक दूसरे से प्यार है, जो सिख कौम के आगे नमस्तक करते, आओ बोल के दिखाओ। अरे सिख कौम पूरी दुनिया में इज्जत, 140 करोड़ से ऊपर लोग सिख कौम के आगे नमस्तक करते हैं हरमंदर साहब में, और पूरी दुनिया सिख कौम के आगे नमस्तक करती है। आप उनको मुठियों में बंद करना चाहते हैं। आज अकाल तख्त साहब को सामने आना होगा, आज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को सामने आना होगा। सिख कौम एक मानवता की रक्षा के लिए बनाई गई, कि जो पन्नू ने स्टेटमेंट दी है, क्या इसका हमारी सिख कौम के ऊपर उंगल नहीं उठेगी? क्या पंजाब से बैठे हुए बाहर सिख, क्या उनको उनका इनको फिक्र है? ये दुकानदारियां यहीं चलाते हैं, 200 लोग 150 लोग झंडा 500 खालिस्तान बनाएंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी खालिस्तान बनाएंगे, पाकिस्तान के चारों पे
आप करना चाहते हो? खालिस्तान कभी नहीं बन सकता, याद रखना। और उस हरपुर वाले को कह देना चाहता, आजा, दो कैमरे मेरे, दो तेरे हाथ, तू तू मैं इंटरव्यू करता तेरी में। कितने लोगों की तुमने बेगुनाहों के कातलों की इंटरव्यू की है? ये पन्नू के एजेंट, ये पाकिस्तान के एजेंट कनाडा अमेरिका में बैठे, यहां चैनल चलाते। कहां है सरकारें, कहां है इंटेलिजेंस एजेंसियां, कहां है एनआईए? सामने आए ऐसे लोगों को जो पंजाब के अंदर हालात को खराब करना चाहते हैं। पन्नू की धमकी, वो हमें सब पॉलिटिकल पार्टियों को सीरियस होकर लेना चाहिए। और पंजाब के अंदर पॉलिटिकल पार्टियों को ये अपने झगड़े कुछ समय के लिए छोड़ करके, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को छोड़ करके इस मुद्दे पे एक होना चाहिए। तिरंगे झंडे का यूके में अपमान हुआ, पंजाब की पॉलिटिकल पार्टियां एक नहीं हुई। फुटबॉल बना के रोला गया, पंजाब की पॉलिटिकल पार्टियां एक नहीं हुई। भगत सिंह को आतंकवादी कहा गया, पंजाब की पॉलिटिकल पार्टियां एक नहीं हुई। ना धर्म के लोग आगे आए। आज अगर इनका मुकाबला हम करना चाहते हैं, ना गोली की जरूरत, ना पंप की जरूरत, ना सरकारों की जरूरत, ना फोर्स की जरूरत। हिंदुस्तान के जितने गुरुद्वारा साहब हैं, जहां सिख सेफ हैं, पंजाब से ज्यादा अच्छे कारोबार हैं उनके, अरबों खरबों के कारोबार हैं। दूसरी कौमों के लोग उनके आगे नमस्तक होते हैं, गुरुद्वारा साहब में जाते हैं, दुख सुख में शामिल होते हैं। संगत बुलाएं, बहन भाई सबको बुलाएं, प्रेस बुलाएं, अरदास करके सबके सामने तीन बातें कहें, हम खालिस्तान नहीं चाहते। ये भूखे नंगे पाकिस्तान पे इशारों पे चलने वाले पन्नू जैसे लोग, हम इनके खिलाफ हैं, ये कौम के खिलाफ हैं, ये देश के दुश्मन हैं। इनकी गलतियों से 84 के दंगे हुए। और कहें, हम गुरु महाराज के वो सिख हैं जहां गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर दिल्ली के अंदर अपना शीश निशावर किया, पटना के अंदर हिंदुस्तान भारत के अंदर गुरु गोविंद सिंह महाराज का वो स्थान, आखिरी स्थान जहां गुरु ग्रंथ साहब विराजमान, नथेड़ साहब, पूरा हिंदुस्तान भारत हमारा है। पांच प्यारे कहां से? पूरे हिंदुस्तान से पांच प्यारे, गुजरात से, उड़ीसा से, कहां से पांच प्यारे नहीं? ये नए कानून बनाने वाले कौन आ गए? कमी हमारे में ये हम बोलते नहीं। हमें ये कहा जाता सारे सिख भाई तो ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं, पर हम जबान को चुप रखे कि नहीं डरते हैं। सिख कौम कभी डरती है? मैं डरता हूं क्या? 14 बार हमले किए, करो और कितने करने हैं? तैयार खड़ा हूं आपके बम्बों से। भारत एक था, एक है, एक रहेगा। तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारी खालिस्तानियों पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले और विदेशों से फंडिंग लेके यहां झंडे लेके आप दुकानदारी चलाने वालों, पंजाब के नहीं हिंदुस्तान का सिख, उनको कभी पूछते हो आप क्या वो हिंदुस्तान के सिख नहीं लिख के प्लेट दे रहे हो कि हिंदुस्तान पंजाब के बाहर सिख हमारे सिख नहीं लिख के दो? उनका कोई फिक्र नहीं। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कहूंगा, सख्त एक्शन की जरूरत है पन्नू के ऊपर। जहां भी पन्नू है उसकी गवर्नमेंट से बात करें और पन्नू को गिरफ्तार करके हिंदुस्तान में भेजा जाए। यह इंटरनेशनल मुद्दा है। यात्री ऑस्ट्रेलिया का हो सकता है, यात्री इटली फ्रांस का हो सकता है, यात्री पाकिस्तान का दुश्मन देश का भी हो सकता है, यात्री रशिया का भी हो सकता है, पूरी दुनिया का यात्री हो सकता है, यात्री चाइना का भी हो सकता है। तो पूरी दुनिया से आवाज क्यों ना उठे? और पंजाब के अंदर आप देखिए, सिख समाज के अंदर, पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर एक आवाज उठी है तो मेरे से बात करो, एक भी आवाज नहीं उठी। प्लेन उड़ा देंगे, और उड़ गया तो सिख कौम के ऊपर दाग, सिख कौम के ऊपर दाग। वे सरदार ऐसे होते हैं क्या? नहीं, सरदार साहब ऐसे नहीं होते। सरदार साहब मुश्किल के समय में, कोरोना काल हो या भूकंप आए, सरदार साहब खड़े होते हैं। इनके अपने कानून बन गए, इनके खिलाफ लड़ाई थी, लड़ेंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट को कहूंगा, पूरी यूनाइटेड नेशन में मुद्दे को उठा करके पूरी दुनिया में बात करके, और जहां भी पन्नू है वहां जोर डाल के पन्नू को हिंदुस्तान को सौंपा जाए और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, और इसके साथ जो भी और लोग हैं उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाए और कानून सख्त बनाए। जो उनके क्रियाक्रम करते हैं ना, दुकानदारियां चलाने वाले,
और सोशल मीडिया में दुकानदारी चलाने वाले, चैलेंज करता हूं उनको मैं, आ जाओ इंटरव्यू लेना मेरा, कैमरे दो मेरे, फिर कहूं दो मेरे दो तेरे, जितने जितने तुमने बेगुनाहों के, बैंक डकैतों के, माओ के, बहनों के, बच्चों को यतीम करने वाले, सुहाग उजाड़ने वाले, 36,000 लोगों का कत्लेआम करने वालों के इंटरव्यू लिए ना, वो मैं एक तरफ आपके चलाऊंगा, फिर पूछूंगा क्या आप पत्रकारी करने के लायक हैं, आप पत्रकारी के ऊपर कलंक हैं, आप सिख कौम के ऊपर एक कलंक है, चैलेंज करके कह रहा हूं, कभी भी फोन कर देना मेरे दफ्तर के अंदर, मेरे पास आ जाना, जो मैं आपके चैनल में आ जाऊंगा, उन चंद सोशल मीडिया को जिन्होंने बेगुनाहों के कातलों को इंटरव्यू लिया है, जो लोग चले गए दुनिया से, जिनके बहनों के सुहाग उजड़ गए, उनका इंटरव्यू लेने वाला कोई नहीं, वो बेड़े बकरियां थे, जो नेथे मार दिए वो तो बेड़े बकरियां मक्खियां कीड़े थे, और जिन्होंने मारे वो योद्धे बन गए, और किसी के हाथ में बंदूक नहीं, उसको मार के योद्धे बन जाना, लख लानत है तुहाडे, ओए लख लानत है तुहाडे। अब आपको सवाल पूछना चाहिए, ट्रूडो द्वारा खालिस्तानी को दी जा रही सपोर्ट के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, ट्रूडो द्वारा खालिस्तानियों को सपोर्ट दी जा रही है, उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो जी, मैं एक बात कहूं, पंजाब के अंदर वोट बैंक की पॉलिटिक्स ने पंजाब को बर्बाद किया, एक आदमी को तैयार किया गया, नाम क्या लेना, अंदर भेजा गया, हुआ क्या, सदा राज करेंगे, यही मुद्दा था, कोई किताब नहीं है लंबी, हर चीज आंखों से देखी है, हर चीज आंखों से देखी है, ब्लू स्टार ऑपरेशन भी हुआ, 84 के दंगे भी हुए, इंदिरा गांधी भी मारी गई, और 36,000 लोगों का कत्लेआम हुआ, कोई लंबी किताब नहीं है, लंबी किताबें बड़ी लिखी हैं, जो मैं साफ किताब हूं सामने, सिर्फ गंदी राजनीति से सदा राज करेंगे, करते करते आज तक पंजाब खड़ा नहीं हुआ, पंजाब की जवानी तबाह हो गई, नार्को टेररिज्म हटा तो नार्को टेररिज्म आ गया, तो वही कनाडा के अंदर वोट बैंक पॉलिटिक्स, 25 सीटें हैं किसी की, एक एमपी है, बड़ी सुंदर दस्तार जो सजाते हैं, है ना, अच्छी दस्तार सजाते उनकी 25 सीटों के चक्कर में आप दुनिया में कनाडा को बदनाम कर रहे हैं, कि कनाडा के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, यूके के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, या किसी देश के अंदर कोई भी वाकया करके, बैंक डकैती करके, मार के, लूट के, आप कनाडा में घुस जाओ, वाय ये देश है, कनाडा एक देश है, एक अच्छा देश है, हमारे पंजाब के बच्चे कनाडा में अच्छी नौकरी करते हैं, सारे कनाडा में सिख ऐसा नहीं है, अपने व्यापार करते हैं, अपने बिजनेस करते हैं, दूसरा पंजाब है वहां पे, पर ये चंद लोगों की वोट की खातर आप पूरी हमारी सिख कौम को बदनाम कर रहे हैं, आप अपनी कनाडा को, इतने अच्छे प्यारे देश को बदनाम कर रहे हैं एक वोट बैंक की खातर, हमने तो सोचा था पंजाब में, हिंदुस्तान में ये होता है, पर ये कनाडा में ऐसा हो रहा है, ये पिक्चर सिर्फ एक है, सिर्फ वोट बैंक, और ये वोट बैंक जैसे पाकिस्तान को अजगर की तरह खा गया, ऐसे अजगर की तरह एक दिन कनाडा को भी खा जाएगा, जो मैं दावे से कहता हूं, कनाडा दूसरा पाकिस्तान, एक पाकिस्तान, एक कनाडा, दूसरा पाकिस्तान बन गया, मैं कहता हूं दूसरा पाकिस्तान है ये, अब कनाडा के वहां के पॉलिटिकल पार्टियों को, लोगों को सामने आना होगा, हिंदू सिख की लड़ाई क्या, मैं पूछना चाहता हूं, हां मैं मानता हूं लाखों करोड़ों हिंदुओं में से कहीं दो ने गलत बात बोल दी तो क्या पूरी हिंदू कौम बदनाम हो जाएगी, मैं पूछना चाहता हूं, कल एक व्यक्ति का मैंने कोई वीडियो सुना, वो कह रहा सूरी के कातिल जो है उसको जो मारेगा मैं नाम दूंगा, क्यों, एक आदमी ने गलती की, हम क्यों गलती करें, पूरी हिंदू कौम को क्यों बदनाम करें, सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे, कानूनी कार्रवाई, कोर्ट में जाए, यह कौन सा तरीका, मैं इतने पैसे दूंगा उसको मार दे, नहीं हम इस चीज के खिलाफ हैं, हमारा 9 मास का रिश्ता, ये चंद लोग दुकानदारियां चलाने की खातर, सुरक्षा की खातर ऐसे गंदे बयान देते हैं, हम इस बयान से सहमत नहीं, भड़काऊ बयान देना जी, और कुछ सवाल, उन्होंने जो पन्नू ने जो धमकी दी है, आप क्या समझते हैं कि क्यों, इसके पीछे कौन सी ताकत, देखो जी इसके पीछे चाइना और पाकिस्तान का ये सही है, पन्नू का कोई बेस, वो कहात ही नहीं उसकी कोई, वो बयान दे देता है, हम घबरा के, मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में टुट्टे से आदमी की करता, छतर मुर्गे के नंबर का, पहले तो मानने वाले को कहो
उल्लू के पट्टे को पूछे तूने पगड़ी क्यों नहीं सिर पे पहनी, तूने अमृत क्यों नहीं छका, अगर तेरी औकात को अणख वाली है तो तू हार्डकोर लड़की के साथ जो आधे कपड़े पहन के सिख कौम को बदनाम करके पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में नाच करती रही उसके साथ तू इंटरव्यू, ये तेरी औकात है पन्नू बोल, ये तेरी औकात है। जो सच्चा गुरु का सिख होता है, जो अमृतधारी सिख होता है, उसके साथ हमारे जैसे पापी भी नहीं खड़े हो सकते। हम पापी हैं, हम गुनाहगार हैं, हमसे पाप हुए होंगे, हम उनके साथ सच्चे सिख के सामने जिसने दिल से अमृत छका है हम उनके सामने नहीं खड़े हो सकते, सिर झुकाएंगे। एयर इंडिया को क्यों टारगेट है, एयर इंडिया को क्यों टारगेट किया? देखो जी, मैं एक चीज यही कह सकता हूं, वो इंडिया के खिलाफ एक साजिश थी, साजिश है और ऐसे लोग साजिश रचते रहेंगे। और जहां तक नरेंद्र मोदी जी के बारे में रोज चर्चा होती, मैं बीजेपी का नहीं हूं, मेरे लिए प्रथम राष्ट्र है, उसने सारे देशों को जोड़ा है, दुनिया के अंदर भारत का नाम बनाया है। अगर आज कहीं बाहर जाके कुछ सिख भाई भी कहेगा मैं भारतीय हूं, वो तो भारतीय है, उसको एक भारतीय सिख, गुरु महाराज का सच्चा सिख, एक भारतीय के तौर पे भी इज्जत मिलती है उसको। वो नरेंद्र मोदी है, क्या लड़ाई आपकी नरेंद्र मोदी थी? पर नरेंद्र मोदी जी सिख कौम के आगे सिर झुकाते थे, झुकाते हैं, झुकाते रहेंगे, इन चंद लोगों के कारण वो गुस्सा खाने वाले नहीं है, मैं गारंटी से कहता हूं। बेटा G20 सामने देख के जवाब दे जी, G20 दे टाइम ते ट्रूडो जो आया आके वो 6 दिन एक्स्ट्रा रहा इत्थे, पर उस दौरान उसने बहुत बैडली इग्नोर किया गया, तो उन लगता नहीं उदे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते ने कितने कितने कूटनीति जिहड़ी आ भारत दी वो इत्थे फेलियर साबित हुंदी? देखो जी, भारत की एक नीति आज फॉरन पॉलिसी स्पष्ट है, पहले भारत के फॉरन मिनिस्टर होते थे, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर होते थे, हम पॉलिटिकल लोग बना देते थे। आज काबिलियत को देखा जाता है, अगर कोई ब्यूरोक्रेट है, अगर अच्छा पत्रकार है, अच्छा अगर समाज सेवी है, उनको वो जिम्मेदारी दी जाती है। आपने देखा होगा हमारे हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी समझते थे पूरी दुनिया को, हिंदुस्तान की एक सीधी सी स्पष्ट पॉलिसी है आज के भारत के अंदर, आतंकवाद के ऊपर कोई दुनिया से बड़ा सा बड़ा देश हो, अमेरिका हो, चाइना हो, कैनेडा हो, फ्रांस हो, इटली हो, यूके हो, कोई कंप्रोमाइज नहीं है। वो स्पष्ट बता दिया, जब अम्बेसियों को बंद किया गया स्पष्ट बता दिया, यूके के अंदर तिरंगे झंडे का अपमान हुआ अम्बेसी को उखाड़ दिया, हम नहीं कंप्रोमाइज करेंगे, कोई बात नहीं हम देख लेंगे, लोगों के अलग अलग विचार होते, प्रथम राष्ट्र हर चीज के अंदर होना चाहिए, वो आज भारत उस स्थिति में है। यूके सरकारी स्कूल किताबों खालिस्तान का जिक्र किया, हालांकि उसके प्राइम मिनिस्टर वो भी हिंदुस्तानी है, देखो मैं एक चीज बिल्कुल आपको स्पष्ट बता दूं, यहां से जो नौजवान गए हैं, पंजाब तो हमारा खाली कर दिया है ना, पंजाब खाली हो गया, कोई नार्को टेररिज्म में चला गया, कोई चले गए, कोई गांव के गांव, शहर के शहर खाली हो गए। वो बच्चे जिनको समझ नहीं है उनको ले आते, हम भी बचपन के अंदर जब रैलियां करते थे अमृतसर या पूरे देश के अंदर, हम सबको बुलाते थे, गाड़ियां भर के आते थे, उनको आने वाले को यह नहीं पता होता था मैं किस काम के लिए जा रहा हूं। अगर उनको पूछा है तू क्यों, ओके ना मैं बिट्टा के कारण आया हूं, मैं फलाने लीडर के कारण आया हूं, तो कईयों को ऐसा पता नहीं है, ये नहीं कह सकते कि जो सारी वहां खालिस्तानी है। पर यूके के अंदर पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट की उनके साथ काफी पीछे G20 के बाद जो जिक्र किया उसके ऊपर सख्त हुई है, मुझे उम्मीद है पन्नू के ऊपर, क्योंकि यूके में उसका ज्यादा बेस है, उसके ऊपर एक्शन हो सकता है, जो मुझे यकीन है।